हेलो फ्रेंड, मैं राजीव, टैली एंड टैक्सेशन ट्रेनर। आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप अगर सीखना चाहते हैं कि टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को बेसिकली पहले डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने तो यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, तो देखो आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे शो भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे टैली प्राइम को। देखो टैली प्राइम को जैसे ही स्टार्ट करोगे तो बेसिकली सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द कंपनी। सेलेक्ट द कंपनी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जो पहले कंपनी बना रखा है तो आपका ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें से कोई कंपनी तो नहीं सिलेक्ट करना चाहते। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दे रहा है, और भी स्पेसिफिक बात का ऑप्शन दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी, क्योंकि बेसिकली आज हम क्रिएट कंपनी के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एंटर करोगे, एंटर करते सबसे पहले आपके पास आएगा कंपनी डाटा पाथ, कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो इसकी लोकेशन क्या होगी, मीन्स आप जो भी इसमें काम करोगे उसका डाटा कहाँ पे सेव होगा। तो देखो टैली का बाय डिफ़ॉल्ट एक लोकेशन आता है सी यूज़र में। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो अलग से एक लोकेशन बना सकते हो, मीन्स अलग से एक फोल्डर बनाइए और उसकी लोकेशन यहाँ पे पेस्ट कर दो। कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसकी शॉर्ट कीज़ होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। या तो आप राइट क्लिक करोगे और न्यू पे जाओगे और फोल्डर, तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे मैंने करा तो मेरे पास क्या आ गया, एक फोल्डर आ गया। फोल्डर को आप रीनेम कर लो जो भी आपकी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे कर दिया टैली प्राइम डाटा। मैंने यहाँ पे टैली प्राइम डाटा के नाम से इसको सेव किया इस फोल्डर को। ठीक है, इसकी लोकेशन को पेस्ट करने के लिए पहले इसको ओपन करानी पड़ेगी, देन यहाँ से आप इसकी लोकेशंस को कॉपी करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने की शॉर्ट कीज़ होगी कंट्रोल सी। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करने के बाद अगेन आपको कहाँ जाना है, टैली प्राइम पे। टैली प्राइम पे आओगे और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लोकेशन थी उसको स्पेस करके हटा देना। तो स्पेस करोगे आपकी लोकेशन क्या होगा, हट जाएगा, और कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दोगे। तो जो मैंने भी यहाँ से लोकेशन कॉपी करी है वो मेरे पास आ गया। एंटर एक बार और एंटर करोगे और आपकी लोकेशन क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंपनी पूरी क्रिएट करनी है, तो आपकी जो भी कंपनी है बेसिकली सबसे पहले आपको उसका नाम, मेलिंग नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको फिल करना है, और ये बड़ा ईजिली आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो एक कंपनी का नाम लेते हैं SMRS ऑटोमेशन एंड मशीन। तो मैंने एक कंपनी बनाया SMRS ऑटोमेशन एंड मशीन। एंटर, जैसे ही एंटर करता हूँ तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है, किसी भी कंपनी का एडिशनल नेम होता है। ठीक है, या शॉर्ट नेम। तो अगर इस कंपनी का कोई एडिशनल शॉर्ट नेम आप मेंशन करना चाहते हो तो कीजिए, अदरवाइज आप इसको सेम रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम रख रहा हूँ। फिर एड्रेस कीजिए, आपकी ये जो कंपनी है वो कहाँ पे है, तो प्लेस ऑफ कंपनी का आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस फिल करनी है। ठीक है, तो इसका जो एड्रेस होगा वो आप क्या करोगे, फिल कर दोगे। तो अभी तो फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ पे एड्रेस E112 इंदर इन क्लेव फेज टू। ठीक है, ये मैंने एड्रेस ले लिया। देन इसके बाद आपसे पूछेगा स्टेट, तो यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है आपको, किस कंट्री में यूज करो, कि बेसिकली आपका टैली सॉफ्टवेयर इतने सारे कंट्री में यूज हो रहा है तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने ले लिया यहाँ पे इंडिया। फिर पिन कोड, तो हर एक देखो जितनी भी एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग पिन कोड होता है, तो आपका जो पिन कोड होगा जिस एरिया का वो आप यहाँ पे मेंशन करो, जो प्लेस ऑफ कंपनी है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने अपना पिन कोड डाल दिया जहाँ पे हमारी कंपनी है। टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करोगे जो भी ओनर का होगा, ताकि आपके बिल में क्या हो, ये शो होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर सेम, अगर आप एक एडिशनल और भी कोई नंबर शो कराना चाहते हो तो वो करा सकते हो। ठीक है,
फैक्स मशीन। तो देखो पहले आपका फैक्स नंबर का यूज़ होता था, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं है, तो बेसिकली इसको हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, और नीचे आपका वेबसाइट दे रखा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको फिल करनी है कि आप किस कंपनी में आपके जो मेल है वो सारा डाटा आना चाहिए, कैसे कैसे ट्रांसफ़र करोगे, तो उसके लिए आपको एक ईमेल तो चाहिए ही चाहिए। देन उसके बाद हर एक कंपनी क्या करती है, अपनी एक वेबसाइट बनाती है ताकि वो क्या कर सके, मोर इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचा सके, या इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है कंपनी की, वो सारा का सारा वेबसाइट पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं smrs@gmail.com। तो gmail.com, तो ये मैंने ले लिया इसकी ईमेल। फिर वेबसाइट www.smrs, ठीक है, ऑटोमेशन है ना, .com। तो जो भी आपकी वेबसाइट होगा वो आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे, एंटर। देन आपका आता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कि जी आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है। तो अभी देखो करेंटली फाइनेंशियल ईयर आपका क्या चल रहा है, 21-22, मीन्स 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च चल रहा है। तो आपका पहले आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो बिगनिंग क्या हमारा 1 अप्रैल 2021। देन उसके बाद एक और आपसे पूछ रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कब से अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, तो वो डेट यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे अब 1 अप्रैल से ही कर रहे हो, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टार्टिंग हुई थी उसी दिन से कर रहे हो, तो आपका 1 अप्रैल ही रहेगा। अगर जैसे अभी आपने मान लो 1 सितंबर से स्टार्ट किया, 1 अगस्त से स्टार्ट करा है, या कोई भी डेट आपका हो सकता है जिस दिन से आपने अपनी बुक स्टार्ट करी है, तो वो डेट मेंशन करोगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे 1 अप्रैल ले रहा हूँ क्योंकि हमारी कंपनी का सारा 1 अप्रैल से ही चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेम 1 अप्रैल रखा। देन सबसे लास्ट में आपका आता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर आपके दो तरीके के पासवर्ड हैं, एक आपका सेट टैली वॉलेट पासवर्ड है, और दूसरा आप इसके अंदर यूजर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर पहले पासवर्ड का आप यूज़ करोगे तो आपकी जो कंपनी है वो डॉट करके शो करेगी और आपको एक कोड मिल जाएगा। तो ज़्यादातर मैं क्या रेफर करता हूँ कि इस पासवर्ड को मत लगाओ। ठीक है, आपका सबसे बढ़िया रहता है इस ऑप्शन को येस कीजिए, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, और यहाँ पे अपने की यूज़र और पासवर्ड बनाइए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को क्या करोगे, येस करोगे। देन उसके बाद आपका यूज़र एंड पासवर्ड दो ऑप्शन देंगे यहाँ पे। ठीक है, यूज़र नेम दे रहा है और पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक यूज़र बना लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक यूज़र बना रहा हूँ, जैसे SMRS इसके नाम से ही एक यूज़र बनाया, और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने कहा 123। ठीक है, 123, तो आपको एक बार कंफर्म करानी पड़ेगी। तो जो भी आपको लगता है वो पासवर्ड बनाइए। ठीक है, एंटर। जैसे एंटर करोगे तो टैली आपको एक वार्निंग देगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आपको टैली ये बताना चाह रही कि अगर आप एक बार एक पासवर्ड को भूल गए तो इस कंपनी को आप ओपन नहीं कर सकते, और जब ओपन नहीं होगा तो आपका कोई भी डाटा रिसीव नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसका यूज़र पासवर्ड बनाते हो तो आप इसको या तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, या एक्सेल में कहीं पे भी आप इसको सिक्योर रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, वो आप कहीं पे भी रखिए ज़रूर। ठीक है ना, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे माइंड से स्किप हो गया तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कहीं पे नोट कर लीजिए। देन उसके बाद आप आगे बढ़िए, ऑडिट फीचर्स, ऑडिट का भी कोई काम नहीं है। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, इसको भी फिलहाल नो रखनी है। तो बेसिकली आपको कंपनी क्रिएट के अंदर ऑल ओवर इतनी सारी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है और आपकी कंपनी इजिली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आपका नीचे वैस करेंसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो रुपीस रहेगा। फॉर्मल नेम, किसी करेंसी का पूरा नाम होता है तो INR। तो ये सारी डिटेल भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा जब आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करोगे कि उसका रुपीस क्या है ना, फॉर्मल नेम क्या है इसका, करेंसी का, तो वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बेसिकली आपको इतनी सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद इसकी एक शॉर्ट कीज होती है सेव कराने के लिए, आप एंटर का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक शॉर्ट कीज का आप यूज करोगे Ctrl+A और आपकी कंपनी क्या होगी, सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे Ctrl+A कर रहा हूँ। Ctrl+A करते ही मेरी कंपनी बन के तैयार हो गई, SMRS ऑटोमेशन एंड मशीन। ठीक है, यूज़र, यूज़र में SMRS। अब इस कंपनी को अगर ओपन करना चाहते हो तो आपको पहले यूज़र डालनी पड़ेगी, देन उसके बाद 123 आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपकी कंपनी ओपन होगी। देखो ओपन हो गया, ओपन होते ही सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपकी जो कंपनी है जी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है,
और अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। आपकी जो भी बिजनेस नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कोई फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आपके पास इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जो भी आपको जिस फीचर्स में आपको काम करना है उसको एक्टिवेट कीजिए और आप काम कर सकते हो। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो अभी हमें तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन येस आया है उसको येस रखेंगे, जो ऑप्शन नो आया है उसको नो ही रखते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंट्रोल ले करना और सीधा इसको सेव करा दो। ठीक है, तो जैसे ही सेव कराओगे तो आपके सामने क्या आएगा, गेटवे ऑफ टैली। ये क्या होता है, हमारा वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे आपके सारे काम होंगे। और देखो अभी हमने जो कंपनी बनाई है तो यहाँ पे आएगा SMRS ऑटोमेशन एंड मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कंपनी बन के आ जाएगी और जैसे ही आप यूज़र पासवर्ड डालोगे तो आप यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी के सामने इसको व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट में इतना ही रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।